गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट वर्कशीट वन ऑफ चैप्टर नंबर वन आर बॉडी. मैच द फॉलोइंग. सो कॉलम ए में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं एंड कॉलम बी में उसके साथ रिलेटेड सेंटेंस या वर्ड दिए गए हैं. ओके, सो फर्स्ट है तो ये है, किसका पिक्चर है? ट्रंक का, जिसमें क्या होता है? चेस्ट एंड अबडोमन. तो यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करेंगे. फिर ये पिक्चर किसका है? फेस का. उसमें क्या होता है? हेयर एंड फेस. नेक्स्ट ये किसका पिक्चर है? तो ये है आर्म्स यहाँ. ओके, फिर ये स्टमक का है डाइजेशन के लिए, यहाँ से यहाँ. और ये क्या है? लंग्स, विच हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग. तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना है. तो यहाँ से चेस्ट एंड अबडोमन, यहाँ से हेयर एंड फेस, यहाँ से आर्म, डाइजेशन एंड दिस वन इज ब्रीदिंग. नेक्स्ट आर बॉडी वर्कशीट टू. 10 वर्ड्स रिलेटेड टू आर बॉडी आर हिडन इन द वर्ड ग्रिड. स्पॉट दिस वर्ड्स एंड शेड ईच वन यूजिंग अ डिफरेंट कलर. वन हैज बीन डन फॉर यू. ओके, तो आपको कलर से इसको क्या करना है? शेड करना है. ओके, डोंट यूज स्केच पेन, यूज ओनली पेंसिल कलर. फर्स्ट है मसल्स, तो वो ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है. सेकेंड है ट्रंक, तो ये रहा ट्रंक, TRUNK ट्रंक. ओके, MUSCLES मसल्स. नेक्स्ट है बोन, तो ये रहा बोन, BONE बोन. नेक्स्ट है स्टमक, STOMACH स्टमक. नेक्स्ट है आर्म, तो ये रहा ARM आर्म. नेक्स्ट लंग्स, LUNGS लंग्स. ब्रेन, BRAIN ब्रेन. नेक्स्ट इज चेस्ट, CHEST चेस्ट. नेक्स्ट इज स्केलेटन, SKELETON स्केलेटन. एंड लास्ट वन इज पोस्चर, विच इज यहाँ POSTURE पोस्चर. ओके, तो आपको भी इस प्रकार करना है, पेंसिल कलर का यूज करना है. नेक्स्ट वर्कशीट वन ऑफ चैप्टर नंबर टू, सेंस ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन. मैच द सेंस ऑर्गन्स विद देयर फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे पहले तो सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? सो देयर आर 5 सेंस ऑर्गन. ओके, आईज, ईयर्स, स्किन, टंग एंड नोज. ओके, आईज, ईयर, हैंड, टंग एंड नोज. तो आइस से हम क्या देख सकते हैं? कलर ऑफ बलून, अलग अलग कलर के बलून. फिर ये बेल का साउंड हम ईयर्स की हेल्प से सुन सकते हैं. फिर प्रीक ऑफ थॉर्न, यहाँ कांटा जो चुभता है वो हमें स्किन की मदद से पता चलता है. नेक्स्ट ये कपकेक का टेस्ट हमें टंग की हेल्प से पता चलता है. और फ्लावर्स की स्मेल हमें नोज की हेल्प से पता चलता है. तो इस प्रकार आपको भी ऐसे ज्वाइन करना है. नेक्स्ट वर्कशीट टू ऑफ सेंस ऑर्गन एंड देयर फंक्शन. अनस्क्रैम्बल द लेटर्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज. ओके, तो यहाँ पे एक बच्ची है, वो बुक पढ़ रही है. किसकी सहायता से? आइस. तो यहाँ पे है YESE. ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? EYES आइस. नेक्स्ट है एक लड़की है, एक गर्ल है जो रेडियो पे कुछ गाना या कुछ न्यूज़ सुन रही है. किसकी सहायता से? ईयर्स. तो यहाँ पे आएगा EARS ईयर्स. ओके, नेक्स्ट है एक गर्ल है जो स्मेल कर रही है कुछ, यहाँ पे फ्लावर्स जैसा कुछ है उसके हैंड में, और शी ट्राइज टू स्मेल दैट थिंग. तो किसकी सहायता से? नोज. यहाँ पे OENS है तो उसका आंसर आता है NOSE नोज SE. नेक्स्ट
एक बॉय है और उसके सामने कुछ खाने की चीज़ पड़ी हुई है और वो खाने की तैयारी में ही है। तो यहाँ क्या आएगा? टंग, टी ओ एन जी यू ई, टी ओ एन जी यू ई, टंग। नेक्स्ट, एक बॉय है तो गैस पे गर्म बर्तन है तो उसने भूल से छू लिया और उसे बहुत ही गर्म लगा। तो किसकी वजह से उसे गर्म लगा? स्किन की वजह से। यहाँ आएगा स्किन। तो आपको यहाँ तक ईवीएस में वर्कशीट कंप्लीट करनी है। थैंक यू।